दोस्तों, क्या होता है जब एक स्कूल स्टूडेंट को मिलती है एक प्लेजर डॉल, जिसके साथ वो क्या क्या करता है, ये देखेंगे हम आज की कहानी में। तो स्टोरी शुरू होती है आयथ नाम के एक छोटे बच्चे से, जो रात में अपनी नींद से उठ जाता है क्योंकि उसे घर में कहीं से आवाजें आ रही थीं। और जब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है, तो वहां उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है जो एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो मास्क वाला आदमी ईथ को देखकर उसकी ओर बढ़ता है कि तभी ईथ अपनी नींद से उठकर जोर से चिल्लाता है और हांफने लगता है। ये शोर सुनकर उसके फादर मिस्टर नुए उसके कमरे में आते हैं, जो कि पेशे से एक एडल्ट फिल्म स्टार है। वो यहाँ ईथ को उसे शोर ना करने के लिए कहकर अपनी फिल्म की शूट पर वापस चले जाते हैं, जो कि इस वक्त अपने ही घर पे शूट कर रहे थे और पास में कमरा होने की वजह से ईथ उनकी आवाजें साफ सुन सकता था। लेकिन यहाँ अपनी शूटिंग के दौरान ही आयथ के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये देखकर ईथ को काफी सदमा लगता है, पर उसकी दोस्त लीसा आकर उसे संभालती है। लेकिन यहाँ अगले ही दिन नुआई की डेथ हो जाती है, जहाँ सारे न्यूज़पेपर्स में उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा था क्योंकि वे एक बड़े एडल्ट फिल्म स्टार थे। कुछ हफ्ते बाद यहाँ ईथ को अपने घर के सामने एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है, जो किसी जीन क्लोड लैब से आया था। वो उसे घर के अंदर ले आता है, लेकिन तभी वो बॉक्स जोरों से हिलने लगता है। ये देखकर ईथ थोड़ा डर जाता है कि ऐसा इस बॉक्स में क्या है। बाद में जब वो उसे खोलता है, तो थोड़ा हाथ डालने पर उसे उसमें किसी लड़की की चेस्ट दिखाई देती है। और इससे पहले वो ये देखकर कुछ सोचता, तभी एक हाथ उसे पकड़ लेता है, जिससे डर के ईथ पीछे गिरता है। और वो देखता है कि बॉक्स से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है, जो ईथ को कहती है कि उसका नाम आना है और वो हर वो चीज करेगी जो ईथ कहेगा। ये सब देखकर तो ईथ काफी नर्वस हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो अपने फादर के दोस्त जीन से टकरा जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे। जीन उससे बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या बॉक्स खोलने पर उसने रोबोट की चेस्ट को हाथ लगाया है। इससे पहले कि आयथ कोई जवाब देता, एना पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उसे इधर उधर छूने लगती है। तभी जीन एक कोड वर्ड बोलता है, जिससे एना डीएक्टिवेट हो जाती है। कुछ देर बाद जीन ईथ को सब एक्सप्लेन करता है कि एना एक प्लेजर डॉल है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो उसके फादर और उसने मिलकर बनाया था, और वो रोबोट टेस्ट करने के लिए उसके फादर के पास भेजा गया था क्योंकि वो एक एडल्ट फिल्म स्टार थे, जिसके बाद वे उसे इन्वेस्टर्स को दिखाने वाले थे। लेकिन नुए की मौत की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया। और अब सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि आयथ के फिंगरप्रिंट्स उस रोबोट से पैर हो गए थे, क्योंकि वो रोबोट एक मोबाइल फोन की तरह है जो सिर्फ अपने ओनर को उसके फिंगरप्रिंट से ही पहचानती है, जिस कारण अब जीन उसका यूज नहीं कर सकता। इन सब बातों से कंफ्यूज होकर ईथ जीन से पूछता है कि अब वो इसका क्या करेगा। तो जीन उसे कहता है कि उसे इस डॉल के साथ सोना होगा, इन्वेस्टर्स को ये प्रूव करने के लिए कि वो डॉल काम की है। ये सुनकर आयतीत इससे साफ मना कर देता है, लेकिन तभी जीन उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें इन्वेस्टर्स को उनके 50 मिलियन रुपए वापस लौटाने होंगे। जीन कहता है कि उसे एना के साथ सिर्फ एक बार सोना है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पर ईथ जीन को एक इंसिडेंट बताता है कि जब वो एक बार स्कूल के रेस्टरूम में था, तो उसकी एक क्लासमेट ने उसके साथ प्रैंक किया, जहां उसने उसे टच करके पूछा था कि वो उसके साथ सोना चाहती है, जिसे सुनते ही एक्साइटमेंट की वजह से उसने फार्ट कर दिया, जिसे देखते ही उसके दो और क्लासमेट आकर उस पर हंसने लगे, उसे बुली करने लगे कि उसने अपने फादर की रेप्यूटेशन को डुबा रखा है, वो तो एक बड़े एडल्ट फिल्म स्टार थे। ये सुनकर जीन उसे उस डॉल के बारे में जानने के लिए एक मैनुअल देता है और उससे डॉल की लैंग्वेज भी चेंज करने के लिए कहता है, ताकि वो उससे कम्युनिकेट कर सके। ये सब कहकर जीन घर से निकल जाता है, जहां बाहर आकर वो अपना एक टैबलेट निकालता है, जिसमें वो एना की आंखों से ईथ पर नजर रखे हुए था, और वो ईथ को मैनुअल को पढ़ते हुए देखता है। कुछ देर बाद यहां ईथ एना की लैंग्वेज चेंज करने के लिए उसकी बैक साइड को रब करता है और उसकी लैंग्वेज बदलने में कामयाब होता है। अब वे दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते थे। ये देखकर ईथ एना को पूछता है कि उसकी बैटरी कितनी है, जिस पर एना उसे अपनी लेफ्ट थाई दिखाती है, जिस पर लिखा था 94%। ये देख ईथ उसे कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए कहता है, और ईथ का ऑर्डर सुनते ही एना ऐसा ही करती है। वो इतनी एक्सरसाइज करती है कि उसकी बैटरी लो हो जाती है, और वो शट डाउन होने से पहले ईथ को कहती भी है कि उसमें 5% बैटरी बाकी है, पर ये सुनकर भी ईथ कुछ नहीं करता और एना शट डाउन हो जाती है, जिसके बाद ईथ उसे एक कपड़े से कवर कर देता है
और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही यहाँ आयथ अपने घर से निकलता है, उसके थोड़ी ही देर बाद जीन उसके घर में आकर एक लॉन्गर लास्टिंग बैटरी एना में लगा देता है। और कुछ मिनटों में ही जब वो डॉल उठती है तो जीन उसे ईद के बारे में बताता है कि वो अभी अपने स्कूल में है, जिसे सुनते ही एना वहां से स्कूल की तरफ भागती है। और जिसके भी पास से वो गुजर रही थी वे सभी उसकी खूबसूरती को देखकर वही खड़े हो जा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ क्लासरूम में आयथ अपने दोस्तों के साथ था, जो थे पेंगुइन, पॉप और लीसा, जो उसे होमवर्क के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनकी क्लास में एना एंटर करती है, जहाँ वो सीधा आयथ के पास आकर उससे चिपकने लगती है। जब उसके दोस्त एना के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कहता है कि वो उसकी एक दूर की रिश्तेदार है। यहाँ पॉप और पेंगुइन तो एना को देखकर पागल हो गए थे और वो एना से पूछते भी है कि क्या वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। और यहाँ लीसा तो एना को काफी अनॉयडली देख रही थी, क्योंकि ईथ ने कभी भी उसे एना के बारे में नहीं बताया था, जबकि वे काफी टाइम से दोस्त है। यहाँ क्लास के बाद लीसा पॉप पर भड़क जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एना की चेस्ट को घूर रहा था। तभी वहां कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आता है, जिसमें से उनकी हेड रत्ताना नाम की लड़की एना को कहती है कि उसने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने हैं, जो कि स्कूल में ठीक नहीं है। ये सुनते ही पॉप आगे आकर उसके ग्लासेस ले लेता है और कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। लेकिन इस बीच जब वे सब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ईथ और एना तो वहां से जा चुके हैं। उनके जाने के बाद यहाँ रत्ताना कहती है कि उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी जो इस स्कूल के नियम तोड़ेंगे। दूसरी तरफ यहाँ स्कूल के बाहर ईथ एना से कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए। ये सुनकर एना उसे उसकी बैग पर बैठने के लिए कहती है और उसके बैठते ही एना उसे घर ले आती है। जहां घर आने के बाद यहाँ ईथ उसे थैंक्स कहता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी बैटरी कैसे रिचार्ज की, जिस पर एना कहती है कि जीन ने आकर उसकी बैटरी बदल दी थी और अब वो जल्दी शट डाउन नहीं होने वाली। जब ईथ उससे पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ स्टोर्ड है तो एना ये सुनकर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिस पर ईथ उसे रुकने के लिए कहता है। पर तभी घर में लीसा आ जाती है, जो ये सीन देखकर ईथ से कहती है कि उसने सही सोचा था कि ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन इससे पहले कि लीसा और कुछ कहती, एना अपनी दोनों टांगों को फैलाकर उन्हें अपनी बैटरी दिखाती है, जिसे देखकर लीसा और ईथ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद ईथ लीसा को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर लीसा उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं सोना चाहता तो वो पॉप और पेंगुइन को बोल सकता है। पर ईथ उसे कहता है कि एना के अंदर एक सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से अगर उसके ओनर के अलावा अगर कोई भी उसे छेड़ेगा तो वो उस पर हमला कर देगी। ईथ की ये बात लीसा मजाक में लेती है और वो एना की चेस्ट को छूने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने पर उसे बहुत जोर से करंट लगता है। उसी रात एना ईथ के साथ सोने की कोशिश करती है, जहां वो ये कैलकुलेट करती है कि ऐसा होने के 75% चांस है, तो वो ईथ के ब्लैंकेट में घुसकर उसे प्लेजर देने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच ईथ को फिर से वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, जिससे वो जोरों से चिल्लाने लगता है और एना को उससे दूर हटने के लिए कहता है। अगले दिन हम जीन को देखते हैं, जो कि ईथ पर नजर रखे हुए था, और वो अब रियलाइज करता है कि उसे ईथ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए एक सैंग डाओ नाम की एक रिटायर्ड एडल्ट फिल्म स्टार को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि उसे नुए के बेटे को प्यार करना सीखना होगा। यहाँ सैंग डाओ वैसे तो रिटायर थी, पर अब उसका एक वॉशिंग लॉन्ड्री बिजनेस भी था जो काफी सक्सेसफुल था, पर फिर भी वो इस काम के लिए अग्री करती है क्योंकि आयथ के फादर उसके काफी अच्छे दोस्त थे। उससे अगले दिन सैंग डाओ ईथ के घर के लिए निकलती है, जहां रास्ते में जो भी उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ यहां हम एना को बेडरूम में उठते हुए देखते हैं, जो कहती है कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है और यहां लिविंग रूम में आयथ सैंग डाओ के साथ था, जो उसके फादर की बात करते वक्त रोने लगी थी क्योंकि वो उसके काफी अच्छे दोस्त थे। बाद में वो आयथ से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है कि क्या जब वो एक्साइटेड होता है तो गैस छोड़ता है, जिस पर आयथ उससे अग्री करता है। तो सैंग डाओ उसे कहती है कि वो बार बार इस बात को रिपीट करे कि वो अब किसी भी लड़की से नहीं डरेगा, और ये सुनकर ईथ ऐसा ही करता है। लेकिन जैसे ही सैंग डाओ उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है, पीछे से एना आकर उसकी गर्दन पर जोर से मारती है। इससे डाओ को काफी पेन होता है और वो डर के मारे घर से निकल जाती है। लेकिन जाते जाते वो ईथ को कहती है कि अगर कभी भी उसे उससे कोई एडवाइस चाहिए हो तो वो उसे कॉल करे। वहां से निकलने के बाद वो जीन को कॉल कर उससे कहती है कि उसका मिशन फेल हो गया है। तभी उसके सामने से हम लीसा को आते हुए देखते हैं, जिसने आना की ही तरह ड्रेस अप किया हुआ था। बाद में जब स्कूल में रत्ताना लीसा और आना को देखती है तो वो उन्हें उनकी यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कहती है, जिस पर पॉप और पेंगुइन
उसे ऐसा करने से मना करते हैं। यहाँ आगे फिल्म क्लास में उनके टीचर और उनके साथ रत्ताना मौजूद थी, जहाँ टीचर ईथ और उसके ग्रुप को एक फिल्म बनाने के लिए कहते हैं और वो भी शादी से पहले प्लेजरेबल एक्टिविटीज के डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले तो इससे पूरा ग्रुप मना करता है, पर जब टीचर उन्हें कहते हैं कि ये उनका फाइनल प्रोजेक्ट है और अगर ये उन्होंने अच्छे से किया तो वो उन सभी को ए ग्रेड देंगे, जिस पर रत्ताना भी कहती है कि वो उन सब पर नजर रखेगी कि उनमें से कोई गलती ना करे। जिसके बाद पूरा ग्रुप ईथ के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसके फादर एडल्ट इंडस्ट्री में थे तो उन्हें उसके घर में हर वो इक्विपमेंट मिल जाता जिनकी उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए जरूरत थी। यहाँ रास्ते में ईथ लीसा को कहता है कि वो किसी को भी आना की सच्चाई ना बताए, जिस पर लीसा एग्री करती है। उनके घर पहुंचने पर उन्हें गेट के बाहर ही उन्हें सैंग डाओ मिलती है, जिसे देखते ही पेंगुइन उसे पहचान लेता है और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ जब वे सभी ईथ के फादर के स्टूडियो में आते हैं तो वे वहां अजीबो गरीब टॉयज और इक्विपमेंट्स को देखकर काफी क्यूरियस हो जाते हैं। बाद में पूरा ग्रुप फिल्म की बेसिक स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जब उनकी बातें सैंग डाओ सुनती है तो वो उनसे कहती है ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत क्या है, वो एक सेफ और अच्छे रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ बना सकते हैं। पर तभी अचानक ईथ सभी को कहता है कि उन्हें आज की डिस्कशन खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी सीरियस नहीं लग रहा। उसी रात अना ईथ से रिक्वेस्ट करती है उसके साथ सोने के लिए, पर वो उसे इग्नोर कर स्कूल के काम पर फोकस करता है। जब वो उससे पूछती है कि क्या परेशानी है तो आयथ उसे कहता है कि वो उन 50 मिलियन पैसों को लेकर टेंशन में है, जिसका दोष वो उसके फादर को देता है। वो कहता है कि लोगों को लगता है कि सबसे फेमस एडल्ट फिल्म स्टार का बेटा होना काफी कूल है, पर ये सच नहीं है। जिस पर आना उससे पूछती है कि मिस्टर नुए किस तरह के फादर थे, तब ईथ उसे कहता है कि वो एक अच्छे फादर थे, पर कभी कभी एक आदमी अपने किए हुए बुरे कामों की भरपाई कर रहा होता है और वो अपने फादर की बहुत सी कमियों के बावजूद उन्हें प्यार करता था। इस पर एना कहती है कि उसे प्यार के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिस पे ईथ कहता है कि एक सच्चा प्यार तभी होता है जब दो लोग एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों क्वेटीज को एक्सेप्ट करे। ये सुनते ही एना इस इमोशन को प्रोसेस कर अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। आयथ उससे पूछता है कि क्या वो फीलिंग्स भी डेवलप कर सकती है। इस पे एना कहती है कि क्या पता, वो शायद उन फीलिंग्स को फ्यूचर में एक रियल पर्सन की तरह यूज कर पाए। अगले दिन अपनी फिल्म शूटिंग के दौरान लीसा सीक्रेटली फ्लोर पर लुब्रिकेंट गिरा देती है एना को उस पर गिराने के लिए, लेकिन उससे पहले रत्ताना आ जाती है जो स्लिप होकर लीसा और एना को साथ में लेकर गिर जाती है, जिससे एना सर के बल गिरती है और डैमेज हो जाती है। वो कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। ये देखकर ईथ उसे उठाकर संभालता है। उसी रात ईथ जीन को कॉल कर उससे हेल्प मांगता है, जिस पर जीन उसे डॉल को रिस्टार्ट करने के लिए कहता है, और ऐसा करने पर कुछ ही मिनटों में एना वापस ऑन हो जाती है और वो कहती है कि वो अब ठीक है। वो यहाँ ईथ से पूछती है कि क्या लीसा उसे हेट करती है, इसलिए उसने उसे गिराया, जिस पर ईथ उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मजाक कर रही थी, वो एरोगेंट है पर दिल की साफ है। ये सुनकर एना उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, जिस पर ईथ कहता है कि वो उसे एक दोस्त की तरह प्यार करता है, क्योंकि वो उसके लिए काफी खास है, क्योंकि जब पूरी क्लास उसे बुली किया करती थी तो वो एक अकेली थी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। ये सुनकर एना ईथ से पूछती है कि अगर उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है तो क्या ये प्यार नहीं है, जिस पर ईथ उसकी बात को टालते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोक कर कहती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ रुक सकता है जब तक वो अपनी बैटरी चार्ज कर रही है, जिस पर ईथ अग्री करता है, लेकिन काफी रात होने की वजह से उसको एना के साथ ही नींद आ जाती है। अगले दिन जब ईथ बाथरूम में होता है तो वो एना को शावर में देखकर शॉक हो जाता है, जो उससे पहले ही वहां मौजूद थी, और वो भी काफी रिवीलिंग कपड़ों में, जो उसे बताती है कि वो दिन में दो बार नहाती है क्योंकि हाइजीन इंपॉर्टेंट है। यहाँ आयथ उसे ऐसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे फिर से वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है और वो बाथरूम से भाग जाता है। यहाँ बाद में स्कूल में लीसा एना से माफी मांगती है, जिस पर एना उसे माफ भी कर देती है। ये देख लीसा उससे पूछती है कि क्या वो उस पर गुस्सा नहीं है। तभी एना यहाँ पिछली रात ईथ से हुई उस कॉन्वर्सेशन को प्ले कर देती है जहाँ वो लीसा के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर लीसा बताती है कि वो आयथ से पहली बार तब मिली थी जब उसने उसे एक आदमी से बचाया था, और वो कहती है कि वो हमेशा से ही उसे लेकर काफी प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो उसका एक अच्छा दोस्त है। ये सुनकर एना फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को अपने सिस्टम में प्रोसेस कर लेती है, पर तभी लीसा हिचकिचाकर उसे बोलती है कि वो ईथ से प्यार करती है और वो और एना दोनों ही एक दूसरे के एनिमी हैं, क्योंकि वे दोनों ही एक सेम पर्सन से प्यार करते हैं
और ये कहकर लिसा वहां से चली जाती है। लिसा की इन बातों को एना एक चैलेंज की तरह लेती है और उसी रात वो एक काफी सेक्सी सा आउटफिट पहनकर आइथ को सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि आइथ उसे इग्नोर कर रहा है तो वो उसके कमरे की सफाई करने लगती है, जहां वो उसके सामने बेंड होकर उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसा करने के बाद वो ईथ के साथ सोने की पॉसिबिलिटी को चेक करती है जो कि 85% थी, और इतना सब्र करने के बाद अब ईथ भी हार मान चुका था तो वो एना को कहता है कि उन्हें ट्राई करना चाहिए। लेकिन ईथ इतना एक्साइटेड होता है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका काम हो जाता है, जिससे वो शर्मिंदा होकर कमरे से निकल जाता है। अगले दिन अपनी ग्रुप मीटिंग में पॉप अल्कोहल लेकर आ जाता है, जिसे देखकर लिसा समझ जाती है कि उसका प्लान एना को शराब पिलाकर उसके साथ सोने का है। बाद में बहुत सी ड्रिंक्स के बाद सैंग डाओ अपनी कंडीशन खराब होने पर कमरे से बाहर चली जाती है और ये देख सभी पेंगुइन को और पीने से रोकते हैं। कुछ सेकंड्स में लिसा ईथ को कहती है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या वो उसके कमरे में सो सकती है, जिस पर ईथ उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। उन दोनों को देखकर एना उनके पीछे जा रही होती है कि तभी पॉप उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि लिसा और ईथ हमेशा पीने के बाद ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं और वो एना को भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहता है। यहाँ बेडरूम में लिसा जबरदस्ती ईथ के ऊपर बैठकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देख ईथ उसे मना करता है कि वे दोनों दोस्त है, पर तभी लिसा उसे किस करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ पॉप एना को कहता है कि ईथ उन्हीं लड़कियों को पसंद करता है जो ड्रिंक करती है। ये सुनते ही एना पॉप के हाथ से बोतल लेकर उसे पूरी पी जाती है, पर लिक्विड की वजह से उसकी बॉडी फ्रीज होकर गिर जाती है। तभी पॉप मौका देखकर उसके साथ सोने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जीन ये सब देखता है कि कोई दूसरा पर्सन डॉल को टच कर रहा है, तो वो जल्दी से ईथ को कॉल लगाता है। यहाँ बेडरूम में आइथ लिसा के साथ था, लेकिन जब वो फोन की आवाज सुनता है तो जल्दी से लिसा को हटाकर फोन रिसीव करता है। फोन उठाते ही जीन उसे कहता है कि वो जल्दी से एना के पास जाए, अगर किसी दूसरे इंसान ने उसे छूने की कोशिश की तो उसका सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम उस इंसान की जान ले लेगा। ये सुनते ही आइथ पॉप के पास जाकर उसे एना से दूर हटाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर पूछता है कि क्या वो हमेशा लड़कियों के साथ सोने के बारे में ही सोचता रहता है, जिस पर पॉप उससे आर्ग्यू करता है कि वही चीज जब वो करे तो सब नॉर्मल है और मैं करूं तो गलत। ये सुनते ही आइथ उसे बताता है कि एना एक रोबोट है, पर यह सुनकर भी पॉप उससे कहता है कि अगर ईथ को वो रोबोट नहीं पसंद तो वो उसे वो दे सकता है, जिस पर ईथ उसे पूछता है कि क्या उसके पास 50 मिलियन रुपए है, अगर है तो वो उसे बिल्कुल दे देगा क्योंकि वो रोबोट उस पर एक बोझ है। यहाँ इस वक्त तक एना भी होश में आ गई थी और वो ईथ की सारी बातें भी सुन लेती है, और जब ईथ उससे उसकी कही हुई बात पर माफी मांगता है तो एना रोने लगती है और उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर लिसा को काफी बुरा लगता है और वो ईथ पर चिल्लाती है कि वो अभी जाकर एना से माफी मांगे। यहाँ घर से बाहर एना रो रही होती है और ये विश कर रही होती है कि ये इमोशंस उसे कभी मिले ही ना होते, और वो जैसे ही सड़क पर भागती है तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। यहाँ बाद में जीन ईथ को बताता है कि एना का मदरबोर्ड बुरी तरह डैमेज हो गया है, इसलिए उसे वापस लैब ले जाना होगा, और यहाँ वो ये भी बताता है कि उसे फिक्स करने के बाद उसकी मेमोरी भी डिलीट हो सकती है और जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होगा। ईथ जीन से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, पर जीन इस पर कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, माफ करना उसे उसके प्रोडक्ट के कारण इतने ट्रबल्स झेलने पड़े। पर तभी वहां लिसा और पेंगुइन आते हैं जीन की मदद करने के लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब जीन भी ऐसे केस में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन सभी की बातें सुनने के बाद जीन कहते हैं कि एक रास्ता है, पर वो काफी रिस्की है, जिसमें किसी दूसरे के ब्रेन वेव्स को एना से कनेक्ट करना होगा, जिससे सुनते ही ईथ इस पर हाँ भरता है। यहाँ प्रोसेस के दौरान आइथ अपने ब्रेन में होता है, जहाँ वो एना को देखता है जो उससे दूर जा रही थी और वो उसे फॉलो कर रहा था, जहाँ उसे फॉलो करते हुए वो एक कमरे के अंदर पहुँचता है, जहाँ आते ही वो अपनी उसी वक्त की मेमोरी में पहुँच जाता है, जहाँ एक बार बाथरूम में एक लड़की ने उसके साथ प्रैंक किया था। लेकिन इस बार वो उन बुलीज का सामना करता है और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ एक कपल इंटीमेट हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर कर वहां से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो अपनी उसी मेमोरी में पहुंच जाता है, जहां उसे एक मास्क वाला आदमी दिखता है, पर इस बार वो उससे डरकर भागता नहीं और वो देखता है कि उस मास्क के पीछे दरअसल उसके फादर है। और आगे बढ़ने पर उसे एना की बॉडी मिलती है जो बेहोशी की हालत में लेटी थी,
आयथ उसे कहता है कि उन दोनों को मिले सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है, पर वो काफी थैंकफुल है कि वो उसकी लाइफ में आई। वो कहता है कि उसने उसे ढंग से ट्रीट नहीं किया, पर वो हमेशा उसे समझने की कोशिश करता था। और ईथ उसे उठने के लिए कहता है और उससे माफी मांगता है उसकी बातों के लिए। और सरप्राइजिंगली एना उठ जाती है और ईथ को हग करती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में भी एना ईथ को हग किए हुए थी और वो उसे माफ करती है। कुछ दिनों बाद एना और ईथ आपस में इंटीमेट होते हैं और अब उसे पैसों की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर ने उसके फादर की सारी मूवीज के राइट्स खरीद लिए थे, जिससे उसने अपने फादर का डेट खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पॉप और रत्ताना अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पेंगुइन भी अब सैंगडाओ के साथ था और वो उसके लॉन्ड्री बिजनेस में उसकी मदद करता था। और यहाँ लिसा और आना भी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ जीन को भी रियलाइज होता है कि वो एक प्लेजर डॉल बनाने में फेल हुआ। मूवी के आखिरी सीन में हम ईथ और आना को देखते हैं जो अब एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। और इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। बाय।